मकान बना रहे हैं अथवा दुकान या कर रहे हैं कॉलोनी का निर्माण, चट्टान सी मजबूत सीमेंट ईट एवं ब्लॉक सहित फीवर ब्लॉक, वो भी एक से एक स्टाइल में किफायती दामों पर, अभी संपर्क करें बाबा ब्रिक्स गोकुलगांव रोड खंडवा, दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जी बताइए भैया। आज से 8 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश की पुलिस खंडवा आई थी। चूंकि उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश यादव का गढ़ है सैफई इटावा, जहाँ पर एक मुस्लिम परिवार के द्वारा हमारे खंडवा के लड़के को संदिग्ध मानते हुए एक FIR रिपोर्ट की गई थी, जिसमें लड़के का न तो नाम था न ही मोबाइल नंबर था। परिवार ने हिंदू जागरण मंच को अवगत कराया। उस संदर्भ में हम लोग पदम नगर चौकी पर गए, जहां पर यूपी की पुलिस अर्जुन को लेकर बैठी थी, जहां पर हमने सभी साक्ष्यों का पता लगाया तो उनका कहना यह था कि लड़के को हम लोग यूपी पे पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। अब यूपी इटावा ले जाने के बाद उसको 4 दिन तक थाने में जबरन बिठाया गया और उसके बाद उसके ऊपर अपहरण का केस लगाया गया। यहाँ हम लोगों को जब मालूम पड़ा कि अपहरण का केस हमारे खंडवा के लड़के के ऊपर, अर्जुन के ऊपर लगाया गया है, तो यहाँ की टीम फिर पूरे साक्ष्य बटोर कर पूरे सबूत के साथ उत्तर प्रदेश हमारी टीम पहुँची, और जहाँ पर वहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला गया, थाना प्रभारी से मिला गया, एवं जहाँ पर हमारे बालक को कोर्ट में पेश करने वाले थे वहाँ पर हमने जज माननीय जज महोदय के सामने पूरे सबूत दिए और हमारा लड़का बाइज्जत बरी हुआ, पूरा प्रकरण वापस लिया गया एवं यूपी पुलिस की जो संदिग्ध कार्यशैली थी उसके ऊपर माननीय न्यायालय ने भी टिप्पणी करी है। अब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पिछले 8 दिन से मेहनत कर रहे थे और यहाँ पर भी सभी की मदद ली गई, कुछ ने मदद करी, कुछ ने प्रशासनिक मदद नहीं करी, बाकी फिर भी हमको इस पूरे जो बड़ा हाई प्रोफाइल केस था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, उसमें हमको सफलता मिली है। मकान बना रहे हैं अथवा दुकान या कर रहे हैं कॉलोनी का निर्माण, चट्टान सी मजबूत सीमेंट ईट एवं ब्लॉक सहित फीवर ब्लॉक, वो भी एक से एक स्टाइल में किफायती दामों पर, अभी संपर्क करें बाबा ब्रिक्स गोकुलगांव रोड खंडवा, दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।